हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन। वेलकम बैक टू techplusgadgets.com। तो गाइस, जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है और इस महीने भी एक से बढ़कर एक कमाल के फ़ोन जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। चाहे वो फ्लैगशिप फ़ोन्स हो, बजट फ़ोन्स हो या बजट प्लस फ्लैगशिप फ़ोन्स हो, इस तरीके के फ़ोन जो है इस महीने रिलीज़ होंगे। अगर आप लोग कोई भी स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो गाइस, इस महीने थोड़ा और वेट कर लीजिए, आपको एक से बढ़कर एक जो है ऑप्शन नए मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो जुलाई के महीने में लॉन्च होंगे। तो गाइस, इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए, और आप लोग नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो गाइस, सैमसंग जो है इस महीने अपने गैलेक्सी A80 फ़ोन को लॉन्च करने वाला है। इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा जो मेन हाइलाइटेड फीचर है वो है इसका रोटेशनल कैमरा। आपको एक सिंगल कैमरा मिलेगा जिसमें आप जो है फ्रंट और रियर दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी कमाल की फीचर्स के साथ आ रहा है। तो स्पेसिफिकेशन की अगर बात करूं, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। उसके साथ साथ ये 25 वॉट लाइक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, तो बहुत ही ज़्यादा क्विक होने वाला है। उसके साथ साथ ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, और 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ ये आने वाला है। इसके साथ साथ इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो 40,000 से 45,000 तक की इसकी प्राइस होने वाली है। जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जो है ये फ़ोन रिलीज़ हो जाएगा। काफ़ी कमाल की है, और इसका जो मेन फीचर है वो इसका कैमरा है, क्योंकि ये 123 डिग्री वाइड एंगल के साथ आ रहा है। लाइक आपको बहुत बड़ा स्पेस जो है आराम से अपने कैमरे में कैप्चर करने को मिल जाएगा। तो अगर आप सैमसंग का फ़ोन ख़रीदना पसंद करते हैं तो ये फ़ोन सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है 40,000 से 45,000 रुपये में। तो अब देखते हैं ये फ़ोन जब आ जाएगा तो इसका रियल जो है रिव्यू कैसा होगा। तो गाइस, अगला फ़ोन जो है वो वीवो की तरफ से होने वाला है, वीवो Z1 Pro, और ये फ़ोन जो है 3 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो फाइनली वीवो ने थोड़ा वो गेमिंग साइड में सोचना चालू कर दिया, क्योंकि अभी तक जितने भी वीवो के फ़ोन थे वो गेमिंग के मामले में उतने अच्छे नहीं थे, हीटिंग इशू होता था वगैरह वगैरह। लेकिन इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रॉपर गेमिंग के लिए बनी है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन इस तरीके से है कि आपको इसमें 5000mAh की बैटरी बैकअप मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको 18 वॉट का क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपकी बैटरी जो है फटाफट चार्ज कर देगा। उसके साथ ही इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कमाल का है, 1080p का डिस्प्ले आपको मिलेगा। लेकिन इसमें जो कैमरा दिया है वो इन डिस्प्ले कैमरा है, बिल्कुल डॉट वाला जो कैमरा होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 712 का जो है चिपसेट मिलेगा, और इसमें एड्रीनो 616 का GPU मिलने वाला है। तो एड्रीनो जो है गेमिंग वाला ही है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा पबजी वगैरह अगर आप खेलते हो तो। उसके साथ इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिल जाएगा। तो भाई, स्पेसिफिकेशन के मामले में ये गेमिंग फ़ोन इनके सेक्टर में आ जाता है, वो भी बजट वाला गेमिंग फ़ोन। लाइक 15,000 से 16,000 रुपये इसका प्राइस होगा। तो गाइज़, ये फ़ोन भी जो है अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए होने वाला है। अगले जो फ़ोन्स होने वाले हैं वो इंडिया के अंदर मोस्ट अवेटेड फ़ोन होने वाले हैं, और ये फ़ोन Xiaomi की तरफ से आएंगे, Redmi K20 और Redmi K20 Pro। आप लोगों को बता दूं, ये फ़ोन ऑलरेडी चाइना में रिलीज़ हो चुके हैं अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ, इसलिए इंडिया में लोग इसका वेट कर रहे हैं। और इसका जो फाइनल डेट अभी नहीं आया, लेकिन इस महीने जो है ये फ़ोन रिलीज़ हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं Redmi K20 Pro की स्पेसिफिकेशन की, तो उसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी, क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है। उसके साथ साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 मिलने वाला है। गाइस, सबसे लेटेस्ट फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 855 है। उसके साथ साथ इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD वाला डिस्प्ले मिलेगा। लाइक फुल ऊपर से नीचे सिर्फ आपको डिस्प्ले मिलेगा, कि इसमें आपको मोटराइज कैमरा मिलने वाला है, जो आपके फोन के जो फ्रंट कैमरा है मोटराइज होने वाला है। 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको रियर कैमरा मिलेगा, 28 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। और इसका जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए लोग जो है इस फोन का वेट कर रहा है, क्योंकि इसका प्राइस 25,000 तक ही जाएगा। उसके बाद जो है अगर इसका जो वेरियंट होगा आगे, जैसे 8GB वाला, थोड़ा और महंगा होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो 25,000 तक ही होने वाली है। उसके साथ साथ आपको 25,000 में लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट मिलेगा, लाइक स्नैपड्रैगन 855, इसलिए लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसका छोटा भाई लाइक Redmi K20 भी रिलीज़ होगा। सब कुछ सेम होगा, लेकिन इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन 710 मिलेगा, जो भी काफ़ी कमाल का है। लाइक इतना ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक बुरा है, स्नैपड्रैगन 710 भी अभी के टाइम पे बहुत कमाल का है। और बाकी के स्पेसिफिकेशन जो है वो सेम ही होने वाली है, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, लाइक इसमें आपको बैटरी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज़ सोना है। तो भाई, 5-6,000 रुपये का फ्रेंड्स के साथ ये दोनों फ़ोन रिलीज़ होने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों फ़ोन जो हैं हम भी ख़रीदने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के लिए मैं रिव्यू लेकर ज़रूर आऊँगा इस फ़ोन का। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं इसके बारे में आप लोगों के लिए डिटेल रिव्यू लेकर आ सकूं। तो बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन पे। तो गाइस, अगर आपका बजट 15,000 से 16,000 रुपये है और आप जुलाई के महीने में कोई स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं, तो Realme X जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस प्राइस रेंज में होने वाला है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी कमाल की है। इसमें आपको
स्नैपड्रैगन 710 का सपोर्ट मिल जाएगा, 4GB की रैम मिलेगी, उसके साथ साथ इसकी जो बैटरी है वो 3750mAh की बैटरी है, वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो गाइस क्विक चार्जिंग जो है आपकी फटाफट से कर देगा। उसके साथ साथ ये एमोलेड डिस्प्ले को भी सपोर्ट कर सकता है, लाइक ऐसा सुना गया कि ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी आ रहा है। फुल स्क्रीन का जो सपोर्ट है ही, तो इसका मतलब आपको जो फ्रंट कैमरा है वो इसमें मोटराइज वे में आपको मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये सारी स्पेसिफिकेशन मिलना काफ़ी कमाल की बात है। और एक और खासियत बात इस फ़ोन की ये है कि ये जो है स्पाइडरमैन के एक लिमिटेड एडिशन के साथ आ रहा है, तो चाइना में ऑलरेडी जो एडिशन है वो रिलीज़ हो चुका है, इसकी जो वीडियो है प्रीव्यू वीडियो वो सामने आ चुकी है। तो आपका बजट अगर 15,000 से 16,000 रुपए है तो ये जो फ़ोन है सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और इस फ़ोन का जो सबसे रियल कॉम्पिटिटर होगा वो होगा Redmi K20, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन है लेकिन Redmi K20 का प्राइस 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक Xiaomi का फ़ोन है। अब देखना होगा कि इन दोनों फ़ोन के बीच में कैसा क्या कॉम्पिटिशन होगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग एक प्रॉपर गेमिंग फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आसूस जो है अपना ROG 2 फ़ोन को 23 जुलाई को रिलीज़ करने वाला है। इनका जो फर्स्ट फ़ोन था ROG फर्स्ट जो फ़ोन था वो काफ़ी कमाल का था, प्रॉपर गेमिंग के लिए था, उसी तरीके से ये सेकेंड वर्जन जो है उनका प्रॉपर गेमिंग के लिए होने वाला है। काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन है, जैसे इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 चिपसेट मिलेगा, 4500mAh तक की जो है बैटरी मिल जाएगी, क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 1080p का रेजोल्यूशन होने वाला है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन है, तो साइड से बेजल्स आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको जो है अलग अलग स्विच मिल जाएंगे, जॉयस्टिक स्विच वगैरह इस तरीके के मिल जाएंगे जो आप गेमिंग के लिए प्रॉपरली यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ जो है इसका जो एड्रिनो होने वाला है वो भी लेटेस्ट एड्रिनो का जो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो गाइस अगर आप लोग एक प्रॉपर गेमिंग फोन खरीदना चाहते हैं तो ये फोन सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसका प्राइस जो है वो 70,000 से 75,000 तक का जाएगा। तो प्राइस के मामले में भी ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, इस प्राइस रेंज में ये फोन जो है सबसे बेस्ट है गेमिंग के लिए। अगर आप इससे कम प्राइस का फोन खरीदना चाहते हैं तो Redmi K20 Pro जो है वो सबसे बेस्ट फोन होगा, क्योंकि ये सारी स्पेसिफिकेशन वो 25,000 तक में आपको दे देगा। आई नो उसमें जो है कूलिंग वूलिंग उस तरीके की नहीं होगी, लेकिन आपको PUBG जैसे जो हाई एंड ग्राफिक गेम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो फोन चला देगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप इस वीडियो में जितने भी मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स बताए हैं जो जुलाई के महीने में आने वाले हैं आपको इंटरेस्टिंग लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो है आपको स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। मेरा तो Redmi K20 Pro है, मैं आप लोगों का जानना चाहता हूं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।